इधर आप मुझे बताएंगी इसमें क्या क्या डाला है। इसमें 1.5 kg, इधर आके थोड़ा करीब ताकि आवाज आए। 1.5 kg मैदा, वाइट फ्लोर और 1 tablespoon जो है सॉल्ट और 2 tablespoon ड्राई मिल्क पाउडर और 1 packet ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट जो होता है, और 1 tablespoon शुगर और सही है। बीच में डालेगा बेकिंग पाउडर और बटर। अच्छा ये क्या बना रही है? चॉकलेट क्रोसेंट। एक ही डो से बनेगा? सही। बेकिंग पाउडर कितना है? अच्छा 1 teaspoon 1.5 teaspoon। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। अब शुगर से भी इसको गुना। आप क्या ऐड कर रही हो? आप ही आइसिंग शुगर। ये क्या डोनट्स बना रहे हैं? अब हम क्रोसेंट, इसके हम क्रोसेंट बना रहे हैं। क्रोसेंट बना रहे हैं या डोनट्स बना रहे हैं? सॉरी, डोनट्स। तो हमने इसमें थोड़ी सी चीनी जो है ना वो आइसिंग शुगर कितनी ऐड की है? 1/2 cup ऐड कर दिए। अच्छा जी, हमारा मक्खन आ गया है और अब बनने जा रहे हैं डोनट्स ना। अभी अब इसमें अंडे डालेंगे 1 by 1। कितने अंडे डालोगे? 3 अंडे डालेंगे। 3। दूध ऐड करेंगे। दूध कितना? बस ऐसे ही। अच्छा 1 cup। बटर ऐड कर रही हूँ। आप ही मक्खन कितना डालना है? मक्खन 1 प्याली के करीब, 1 cup। और ये हमारा डो रेडी हो गया है क्रोसेंट का, जिसको हमने चीज़ और क्रीम चीज़ और चॉकलेट क्रोसेंट बनाए थे, और इसी डो से हमने डोनट्स भी बनाए थे। एक्चुअली हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या बनाएं इससे, या तो क्रोसेंट बनाए या डोनट्स बनाए, लेकिन एक ही डो से हमारी दोनों चीज़ें बन गई थी। और यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। डोनट्स भी बहुत फ्लफ़ी बने थे और क्रोसेंट भी बहुत मज़े के थे। अब इसको हम पतला पतला बेल लेंगे, एक रोटी सी बना लेंगे, थोड़ा मोटा, जितना ठीक होगा वो उतना फ्लफी। अच्छा फिर हम इसकी शेप दे देंगे किसी भी कैप से, जो राउंड कैप हो उससे। अगर आपके पास डोनट कटर हो तो वो अच्छा है, लेकिन हमारे पास अब इसको बीच में से कैसे कट करोगे आप? हमारे पास डोनट कटर नहीं, तो हमने एक ये ले लिया और बॉटल का कैप। इतने छोटे ये बने तो बहुत छोटे। चलो वैसे तो भी सही है, वेस्ट ही होते हैं और क्या होते हैं। नहीं नहीं, वेस्ट क्यों करते हो? मैं तो इनको भी फ्राई कर लेती हूँ। और ये जो बीच में जो शेप दी है वो इस कैप से दी है। और हमने डोनट्स को शेप देके एक ट्रे में रख दिया था और इसको कवर कर दिया था किचन टॉवल से, और इसको रख दिया था हमने 1/2 hour के लिए ताकि राइज हो जाएं। फिर हमने इसको फ्राई कर लिया था डीप फ्राई, और जब तक हमने इंजॉय की थी कचौड़ियाँ। यहाँ हैदराबाद में इतने मज़े की 6 number में इतने मज़े की कचौड़ियाँ मिलती हैं। इसके साथ एक ये चटनी होती है जिसको हम आलू की तरकारी कहते हैं, आलू डले हुए होते हैं, इसमें चने भी होते हैं, जो कि इतनी क्रिस्पी होती हैं। ये कचौड़ियाँ, ये दाल की कचौड़ियाँ होती हैं, अंदर दाल होती है, पिसी हुई चने की दाल होती है आई थिंक। और हर रोज़ शाम में हम ये मंगवा लेते हैं, बच्चों को हम नहीं देते हैं क्योंकि बच्चों के खा के पेट ख़राब हो जाते हैं। तो आज बनने जा रहे थे डोनट्स और क्रोसेंट शाम के स्नैक्स के लिए, वो बच्चों के थे, और हमने अपने लिए बड़ों ने कचौड़ियाँ मंगवाई थी। और मोस्टली यही होता है कि हर शाम में मैं कचौड़ियाँ ही हम लोग मंगवा लेते हैं, और या तो कचौड़ियाँ या समोसे, तो हम बड़े खा लेते हैं। बाकी बच्चों को बाहर का फूड अभी आजकल मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, तो हम लोग बच्चों के लिए और इस टाइप की चीज़ें बना रहे हैं। चीज़ क्रोसेंट, चीज़ और चॉकलेट क्रोसेंट है ना। और क्रीम चीज़ में हमने पक्की क्रीम ली थी, और चॉकलेट बच्चों के लिए क्रीम चीज़ वाले हम अपने लिए बना रहे थे, और न्यूट्रेला चॉकलेट यूज़ की थी कुछ क्रोसेंट में। इस तरह से हमारे क्रीम चीज़ क्रोसेंट और न्यूट्रेला क्रोसेंट रेडी हो गए थे, और इसको बेक कर दिया था हमने। ये बेक होने थे और हमारे डोनट्स फ्राई होने थे। डोनट्स को हमने राइज होने के लिए रख दिया था, इतने में हमने क्रोसेंट रेडी किए उसी डो से, सेम डो से जो हमने स्टार्ट में बनाया था।
और उसी डोसे हमने क्रोसेंट भी रेडी किए, किसी चीज़ पे हमने क्रीम चीज़ लगाई और कुछ पे हमने चॉकलेट लगाई और ऊपर से हमने एग की कोटिंग कर दी, जो सिंपल सा एग होता है उसकी कोटिंग कर दी और हमने बेक करने के लिए रख दिया था। यहाँ हमारे डोनट्स भी राइज हो गए हैं, अब हम इनको भी फ्राई करने लगे हैं। यहाँ हमने क्रोसेंट भी बेक करने रख दिए हैं और इसका टेम्परेचर हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है। ऊपर और नीचे के दोनों के स्टोव ऑन रखे हैं और 40 मिनट्स के लिए हमने क्रोसेंट रखे हैं, जो कि 40 मिनट्स में ये फुल कुक्ड हो गए थे और फ़ैन हमने ऑफ रखा था। तो हमारे क्रोसेंट रेडी हो रहे हैं। यहाँ हमने डोनट्स भी फ्राई कर लिए थे क्योंकि डोनट्स डीप फ्राई होते हैं और इतने मज़े के, आपने देखा होगा कितने ये फ्लफ़ी बने हैं डोनट्स। साथ में हमने ये कुकिंग चॉकलेट है इसको हमने मेल्ट कर लिया था और इसमें हमने डाली थी व्हिपिंग क्रीम, जो कि इतने मज़े की लग रही थी क्योंकि कुकिंग चॉकलेट में आप व्हिपिंग क्रीम डालें तो थोड़ी सी वो पतली सी हो जाएगी और फिर हम डोनट्स पे कोटिंग कर देंगे। इस तरह से कुछ डोनट्स पे मैंने चॉकलेट सिरप ऐड किया था और आइसिंग शुगर ऐड की थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, बच्चों को अच्छे नहीं लग रहे थे तो बच्चों ने नहीं खाया, इसलिए हमने चॉकलेट सिरप फिर ऐड ही नहीं किया क्योंकि चॉकलेट सिरप होता है थोड़ा सा कड़वा। यहाँ क्रोसेंट भी रेडी हो गए, आप देख रहे हैं कितने मज़े के क्रोसेंट बने हैं, चॉकलेट क्रोसेंट और चीज़ क्रोसेंट मिक्स हैं और चीज़ क्रोसेंट बहुत मज़े के थे। और यहाँ ये भी बेक हो गए थे और यहाँ हमने बच्चों को, जो छोटे बच्चे थे उनको हमने सबसे पहले डोनट्स सर्व कर दिए क्योंकि डोनट्स जल्दी फ्राई हो गए थे, तो उनको मैंने चॉकलेट सिरप ऐड किया था, कुछ में मैंने इस तरह से चॉकलेट को मेल्ट किया था और व्हिपिंग क्रीम ऐड की थी, इस तरह से इसकी कोटिंग की थी, जो तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और हमारे शाम का स्नैक था बच्चों के लिए डोनट्स एंड क्रोसेंट और हमारे लिए कचौरियाँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और भी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।